देवी देखा से बाहर नहीं आ सकते। अगर देवी हमने अपना आसन यहीं पे जमा दिया है, अब हम यहाँ से उठ नहीं सकते। अगर आपको भिक्षा देनी हो तो बाहर आइए, वरना हम आपके द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। देवी इसलिए हम ये रेखा पार करके बाहर तो नहीं आ सकते। देवी आप वचनबद्ध हैं, हम हठबद्ध हैं, हमने भी अपना हठ मान के रखा है। अगर आपको भिक्षा देनी हो तो बाहर आइए, वरना हम आज आपके द्वार से भूखे चले जाएंगे। मुनिवर आप बुरा मत मानिए, मैं आती हूँ बाहर। आती हो ना सकते। अरे जटायु, तुम जानते हो ये तिल्लों की विजेता रावण ने रावण का रास्ता रोकना मौत को बुलाना होता है। जटायु चले जाओ हमारे रास्ते से, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं तुझे सीता को लेके नहीं जाने दूंगा। आपकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सीते मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ, इसीलिए मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, तो मैं आपके पीछे पीछे आप लोग मेरी आवाज सुनी के लक्ष्मण, लेकिन तेरी आवाज पहचान ही नहीं कि बोलने वाला राम है या कोई। वो तो माया ही मालिश का एक खेल था, वो दुष्ट ने कपट करके तुझे कुटिया से बाहर निकालने की कोशिश की। अब तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हारा कुटिया पंचवटी में सीता अकेली होगी, होगी उस सीता की रक्षा करने वाला कोई नहीं है भैया ताकि, लेकिन वो रावण कपट से छल से उस सीता के साथ उसने दुहार किया। अब उसे कहाँ ढूंढेंगे, वो तो न जाने कितना दूर दक्षिण की तरफ गया और हवाई के मार्ग से आकाश में विचरता हुआ गया है, न जमीन पे उसका आता है न जमीन से उसकी खबर है। राजाओं का राजा किष्किंधा नरेश बाली और सुग्रीव की सवारी आ रही है। हम बहुत खुश हुए। नमस्कार पिताजी, नमस्कार काकाश्री। आप पुत्र आसन ग्रहण करो। महामंत्री जी महाराज, हमारे हमारे बेटे आज पहली बार आए। बेटे, इन छोटे मोटे मच्छरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम किसके पुत्र हो? तुम महाबली बाली के पुत्र हो और ऐसे दानव तो रोज हमारी महल के आसपास घूमते ही रहते हैं। अपनी जिंदगी घर पे छोड़ के आए हो, क्या तुम जानते नहीं तुमने किसको ललकारा है? बाली वो आ गए अगर कोई उसके सामने आ जाता है। Thank you.
लिए ललकारा होनी क्या? प्रदाश्री, ये राक्षस दोबारा आपको ललकारने के लिए आया है, आप आज्ञा दीजिए, मैं इसका खात्मा करके आऊं, नहीं तो मैं आपके साथ चलूंगा। प्रदाश्री, तुम्हारे बड़े भाई के होते हुए मैं तुम्हें भेजू तो बाली बाली नहीं। जैसी आपकी आज्ञा प्रदाश्री। मैं इससे युद्ध का नमक देना बाली दुनिया में नहीं है, और अपना राज तिलक कर लेना ताकि ये किष्किंधा नगरी राजा के बिना ना रहे। जैसी आपकी आज्ञा प्रदाश्री। प्रिय मित्र हनुमान को शिवगिरी का प्रणाम। कहो सुग्री, आज अपने मित्रों को कैसे याद किया? मित्र बड़े भैया बाली राक्षस का युद्ध करने के लिए चले गए थे, और उसने बोला था अगर मैं 15 दिन के अंदर नहीं लौटूं तो समझ लेना मेरा वध हो गया है। वो जिस गुफा में गया था वहाँ से खून की धाराएं बह रही थी, मैंने वहाँ शिलाएं रख दी। बरोबर जाइए। देखो सुग्री, होनी को तो कोई डाल नहीं सकता, आपने अपना कर्तव्य निभाया है। आप अपने भाई को ढूंढने के लिए भी गए थे, लेकिन उस द्वार पर जो खून के छींटे थे वो भी आपने देखे, इसके अब आपको अपने भाई ने यही भी किया है। अगर मैं पंथ का जश्न मनाओ, तुम इसी राह में बैठे थे कि कब बाली जाए और मैं जाकर राजपाट संभालूं। प्रदाश्री, अब द्वार बंद कर देता हूँ, ना ही बाली बाहर निकलेगा ना ही यहाँ का राजपाट को संभालेगा। तुम्हारे मन में शल कपट था, तुम भाई नहीं, तुम द्रोही हो, द्रोही। प्रदाश्री, अगर आप यहाँ आ गए हैं, आप राजपाट संभालिए। मेरे मन में ऐसी पहाड़ के पास में कुटिया है, कोई न कोई वहाँ जीत देता है। चलो आपसे मिलने की तमन्ना रखती थी बच्चों से, आज आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, जो संजय बन गया सबरी। कौन तुम्हारा